नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक डिजिटल डीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप सामने अभी देख पा रहे हैं, डिश स्मार्ट हब ये बॉक्स अभी आपके सामने रखा हुआ है, जो कि डिश टीवी का प्रोडक्ट है। और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों ये लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये इसका आउटर बॉक्स है, जो फ्रंट आप देख सकते हैं जिसमें डिश स्मार्ट हब का लोगो बना हुआ है। और ये एक एंड्रॉयड बॉक्स है दोस्तों, जिसमें कि आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आजकल आप एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं प्री इनबिल्ट ऐप्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि वूट है, सोनी लिव है, एल्ट बालाजी, G5 और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि इनबिल्ट मिलेंगे आपको। और आप चाहें तो और ऐप वाईफाई या इथरनेट कनेक्ट करके आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, जिसके माध्यम से आप चाहें तो अपने मोबाइल का जो भी डेटा है वो इस डिवाइस के माध्यम से अपनी टीवी पे देख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसके थ्रू आप अपने जो नॉर्मल CRT टीवी है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके बैक कवर में इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। और साइड में देख सकते हैं डिश टीवी का लोगो है। इसके अलावा मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, इथरनेट का जो भी सीरियल की है वो आप देख सकते हैं इसमें, वाईफाई इनबिल्ट है और भी चीज़ें हैं जो कि बॉक्स को ओपन करने के बाद पता चलेंगी। तो आइए बॉक्स ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये मेन डिवाइस है, बड़ा स्लीक डिज़ाइन बनाया गया इसका। और इसमें जो है कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे ये डिश स्मार्ट हब का लोगो है। और यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है, डॉल्बी ऑडियो है इसमें। और ये कस्टमर केयर नंबर है, अगर कोई भी समस्या आपको इस बॉक्स से संबंधित आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे में पूरा डिटेल इस बॉक्स के बारे में दिया गया है, उस सेम जो आउटर बॉक्स पे ये सारे डिटेल्स लिखे थे। साइड में देख सकते हैं ये एयर पास ऑन करने के लिए दिया गया है, जिससे कि अगर ये डिवाइस गर्म होता है तो फिर वो एयर पास ऑन कर सकता है, जिससे कि अपने आप ठंडा हो जाएगा। पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सैटेलाइट इन मतलब कि जो ऊपर से जो एंटीना ऊपर छत पे लगा रहता है, जो सैटेलाइट आएगा वो इसमें लगेगा। AV आउट है, AV आउट ये उसमें काम करेगा, उन टीवियों में काम करेगा जिसमें कि HDMI पोर्ट्स नहीं होते हैं, जिससे कि आप अपने पुराने कोई कंप्यूटर का मॉनिटर है CRT उसको कनेक्ट करा सकते हैं, CRT TV कनेक्ट करा सकते हैं। ये इथरनेट का पोर्ट है, जो लाइन पोर्ट होता है इसमें आप डायरेक्ट लाइन का वायर ले आके लगा सकते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। HDMI का पोर्ट है, जो नॉर्मल LED टीवीज हैं, ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट टीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल LED टीवी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस HDMI पोर्ट के माध्यम से। इसके अलावा SPDIF पोर्ट है और USB पोर्ट है, जिसमें कि आप 500 GB तक का हार्ड डिस्क या फिर कोई पेन ड्राइव 8 GB 32 GB इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके अपने जो उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव में वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। और यहाँ से पावर कनेक्ट होगा, देख सकते हैं बड़ा ही स्लीक डिज़ाइन है, बड़ा ही प्यारा बॉक्स है, बहुत ही हल्का है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और ये देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आगे देखिए, ये एक कनेक्टर है जो कि पावर सप्लाई के लिए है, देख सकते हैं डिश टीवी का नॉर्मल जो डिश टीवी का आता है, नॉर्मल बॉक्स के साथ भी ये मिलता है, इसके साथ भी सेम दिया गया, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
ये देख सकते हैं आप, एक रिमोट दिया है जिसमें कि मैंने बैटरी लगा दी है, और बैटरी लगाने के बाद देख सकते हैं आप कि कोई बटन दबाने पे यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होती है। ये वॉइस ओवर रिमोट है जिसके माध्यम से आप, गूगल असिस्टेंट इसमें दिया गया है जिसके माध्यम से आप बोलकर वॉइस कमांड अपने ये सेटअप बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें यूट्यूब का बटन और वॉचो जो कि डिश टीवी का अपना ऐप है उसका भी बटन दिया गया है। रिमोट थोड़ा लंबा है लेकिन इतनी फंक्शनलिटीज़ के हिसाब से ये रिमोट ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, चैनल प्लस, चैनल माइनस, और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं। जब आप USB कनेक्ट करेंगे तो ये सारे बटन्स काम करेंगे। यहाँ से पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और ये सारे जो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू बटन्स होते हैं जो नॉर्मल रिमोट में आप देखते हैं, सेटिंग यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं जो कि अगले वीडियो में जब हम इसका डेमो देंगे आपको तब डिटेल में बताएंगे। तो ये रिमोट था। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें देखेंगे एक HDMI पोर्ट दिया गया है जिसके माध्यम से, जैसा कि मैं बता रहा था, आप एक नॉर्मल LED टीवी कनेक्ट कर सकते हैं या एक स्मार्ट TV भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स और ये सारे जो सामान हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा बॉक्स पे तो ये भी लिखा है कि जब आपका इंस्टॉलेशन होगा तो आपको 10 मीटर, देख सकते हैं आप, 10 मीटर केबल एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो बॉक्स में थी। ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल हो गया, पावर अडेप्टर हो गया, HDMI केबल हो गया, बैटरीज हो गई, यूज़र मैनुअल हो गया, लेकिन 10 मीटर्स केबल ये मुझे भी नहीं मिला था। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। तो आप इस पर ध्यान दे के आप ये 10 मीटर केबल ले सकते हैं जो भी आपको इंस्टॉलेशन करने वाला आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू जो था ये डिश स्मार्ट हब का। अगले वीडियो में हम बताएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि ये कैसे काम कर रहा है और क्यों लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।